नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के ओपन वोटिंग ट्रेंड्स आ गए हैं सामने। आखिरकार क्या है वोटिंग ट्रेंड, कौन सा कंटेस्टेंट इस बार हो जाएगा घर से बेघर, किसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, पूरी खबर की जानकारी मैं आप तक शेयर करूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर, बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दूं कि अब बारी है नॉमिनेशंस की, यानी कि कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स तो नॉमिनेटेड है, लेकिन आखिरकार कौन हो जाएगा घर से बेघर, कौन हो जाएगा एविक्शन का शिकार, ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि आपको बता दूं कि सभी फैंस की नजरें फिलहाल इधर ही टिकी है कि क्या होगा आगे, कौन हो जाएगा घर से बेघर। आपको बता दूं कि जैसा बिग बॉस की स्ट्रैटेजीज चल रही है, वो काफी बिग बॉस मेकर्स ने काफी शातिर दिमाग लगाते हुए राकेश और शमिता को तो सेव कर लिया है। राकेश और शमिता कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि हालांकि कंटेंट भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं देखा जाए तो राकेश और शमिता को ऑडियंस का हवाला देकर बिग बॉस मेकर्स ने बचा लिया है। राकेश और शमिता तो सेफ हो गए, लेकिन बाकी बचे ये जो कंटेस्टेंट्स हैं और जो कनेक्शंस हैं, प्रतीक और नेहा, मिलिंद और अक्षरा, इनका हाल है बेहाल। देखा जाए तो आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ऑडियंस की तरफ से मिलिंद और अक्षरा को ही वोट मिले थे, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस मेकर्स को ऐसा डाउट था कि कहीं ना कहीं राकेश और शमिता आउट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने झट से उन्हें सेव कर लिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो मिलिंद और अक्षरा को तो भर भर कर सपोर्ट मिल रहा है, बाकी प्रतीक भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कनेक्शन जाएगा, इस बार कंटेस्टेंट्स ही जाएंगे, यानी कि एक एक करके ही कंटेस्टेंट अब जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रतीक स्ट्रॉन्ग है, अक्षरा स्ट्रॉन्ग है, मिलिंद कहीं ना कहीं साफ दिल से खेल रहे हैं तो मिलिंद भी बच जाएंगे, लेकिन ये जो नेहा भसीन है ये ओवरऑल विलन बनी हुई है कंटेस्टेंट्स के दिमाग में भी और बाकी ऑडियंस बाहर भी दिमाग में। तो यहाँ चांसेस दिख रहे हैं साफ तौर पर नेहा भसीन के एविक्शन की, हो सकता है इस हफ्ते नेहा भसीन हो जाए घर से बेघर। तो क्या आप सभी हैं तैयार इसके लिए, क्या आपको भी लगता है कि नेहा भसीन को ही घर से बेघर होना चाहिए? अपने रिएक्शंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।